हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों, अगर कोई फिल्म रिलीज होती है और अपने बजट से वो 20% का लॉस करती है पिक्चर, तो उसको फ्लॉप माना जाता है। अगर 50% का लॉस होता है तो उसको डिजास्टर माना जाता है। अगर 80-90% का लॉस होता है उसको ऑल टाइम डिजास्टर माना जाता है। हाल में लास्ट फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई थी क्रैक, विद्युत जम्वाल एंड अर्जुन रामपाल। तो मैंने कहा फिल्म में कुछ दम नहीं है सिवाय विद्युत जम्वाल के जबरदस्त एक्शन। तो दैट फिल्म इज वेरी कॉस्टली फिल्म, 100 करोड़ की फिल्म है वो, और फिल्म का बिजनेस मैक्स टू मैक्स 12-15 करोड़ होने वाला है, 15 करोड़ की आगे जाएगी नहीं पिक्चर। तो दैट मेक्स क्रैक ऑल टाइम डिजास्टर। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड में जो डिजास्टर और ऑल टाइम डिजास्टर बन चुकी है। तो कुछ फिल्में मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, मुझे लिस्ट बनानी पड़ी दोस्तों। तो 1982 में आई थी दीदारे यार, इसका बजट था 4 करोड़ और कलेक्शन हुआ था सिर्फ 40 लैक्स, विच इज ऑल टाइम डिजास्टर। और ये फिल्म मैंने थिएटर में देखी थी, पूरी फिल्म देखी थी, बहुत छोटा था, मतलब पूरी फिल्म मैंने देखी थी। इमेजिन दोस्तों, मतलब अगर वो देखा बैंड्रा टॉकीज एंड न्यू टॉकीज में देखी थी मैंने, कुछ 1.5-2 रुपये में देखी थी पिक्चर, पूरी फिल्म देखी थी दोस्तों। तो इसके लिए आप मुझे गोली मार सकते हो। और दूसरी फिल्म देखा जाए तो सर्कस, रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह को लेके बनाई थी, डबल रोल, फिर अंगूर की कॉपी थी, उसका बजट था 200 करोड़ गाइस, और मुश्किल से 35 करोड़ रुपया का कलेक्शन हुआ था, लाइफ टाइम कलेक्शन, विच मेक्स हिम ऑल टाइम डिजास्टर। उसके बाद अभिषेक बच्चन की ड्रोन आई थी, गोल्डी बेल ने बनाई थी, 55 करोड़ की पिक्चर थी और कलेक्शन हुआ था कुछ 7-8 करोड़, ऑल टाइम डिजास्टर। उसके अलावा बॉम्बे वेलवेट, बाप रे बाप, अरे अनुराग कश्यप ने बनाई थी, रणबीर कपूर इन द मेन लीड, मतलब 120 करोड़ की पिक्चर और मुश्किल से 20 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ था, ऑल टाइम डिजास्टर गाइस, सोचिए। उसके बाद 83, बाप रे, तो बहुत ही महंगी पिक्चर थी, 350 करोड़ की पिक्चर थी, 350 करोड़ की पिक्चर और बिजनेस हुआ था 100 करोड़, अगेन ऑल टाइम डिजास्टर। रणबीर सिंह कपिल देव की बायोपिक थी, अक्षय कुमार की सेल्फी, विच वॉज 200 करोड़ फिल्म, जो मुश्किल से 20 करोड़ कर पाई, मेक ऑल टाइम डिजास्टर। उसके अलावा फैंटम, सैफ अली खान की, कबीर खान ने फिल्म बनाई थी, 150 करोड़ की पिक्चर और मुश्किल से 40 करोड़ आया था, ऑल टाइम डिजास्टर गाइस, फैंटम। उसके बाद खेलेंगे जी जान से, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, दैट वॉज 55 करोड़ फिल्म और मुश्किल से 7 करोड़ रुपया आया था दोस्तों, अगेन ऑल टाइम, 7 से भी कम आता, 5 करोड़ आता शायद, ऑल टाइम डिजास्टर। धाकड़, 110 करोड़ की पिक्चर और 7-8 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन, अगेन ऑल टाइम डिजास्टर। तेजस, 90 करोड़ की पिक्चर और बजट 90 करोड़ का, 4 करोड़ का कलेक्शन दोस्तों, एक ऑल टाइम डिजास्टर। तेजस का तो कुछ 100 रुपए का भी कलेक्शन हुआ था किसी मंडे ट्यूजडे को, ऐसा कुछ भी न्यूज आई थी। तो फितूर, 130 करोड़ की पिक्चर और 20 करोड़ का बिजनेस, ऑल टाइम डिजास्टर। देन गुजारिश, 300 करोड़ की पिक्चर और सिर्फ 50 करोड़ का बिजनेस दोस्तों, तो ऑल दीज आर मतलब बोलना धमाकेदार, एकदम हिस्ट्री क्रिएट की थी इस फिल्मों ने डिजास्टर और ऑल टाइम डिजास्टर बनने में, जैसे कि दीदारिया, सर्कस, डोना, बॉम्बे वेलवेट, 83, सेल्फी, फैंटम, खेलेंगे जी जान से, धाकड़, तेजस, फितूर, गुजारिश एंड नाउ इट्स क्रैक्ड। आप लोग ये बहुत सारी फिल्में जो बहुत बड़े डिजास्टर, लाइक मेरा नाम जोकर, वो सब डिजास्टर लिए कलेक्शन हुआ था उनका, रूप की रानी चुरू राजा, इट वॉज ऑल्सो डिजास्टर, लेकिन पब्लिक आई थी देखने से। बहुत सारी फिल्में जिन्होंने आपको लगे यार ये सब रजिया सुल्तान बहुत बड़ी पिक्चर थी वो, लेकिन दे मेड सब डिसेंट बिजनेस किया था उन फिल्मों, मतलब वो फिल्म को फ्लॉप या डिजास्टर बोलते, लेकिन उन्होंने अच्छा कलेक्शन किया था, ठीक है, इतना 80-90% लॉस नहीं हुआ था उन फिल्मों को, जैसे मेरा नाम जोकर, रूप की रानी चोर का राजा, देन रजिया सुल्तान एंड मैनी मोर, लेकिन ये जो फिल्मों का नाम मैंने लिया जो एक्चुअली मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिजास्टर थे, और उनके जो डायरेक्टर्स है उन्होंने तो बाप रे इतना बॉलीवुड को लॉस किया है कि पूछो मत दोस्तों। वो इसी पिक्चर में क्रैक भी शामिल हो जाएगी, क्रैक इज 100 करोड़ फिल्म और बिजनेस नॉट गोइंग टू बी मोर देन अराउंड नॉट मोर 15 करोड़ के ऊपर जाएगी नहीं पिक्चर, उसके लाइफ टाइम कलेक्शन, दैट ऑल्सो मेक्स इट्स अ
ऑल टाइम डिजास्टर। तो ये कुछ मेरे नॉलेज था, इतने आने वाले सालों में कौन सी फिल्में मेगा डिजास्टर बन जाए। आप बोलिए आदि पुरुष ऑल टाइम डिजास्टर गाइस, उसे 280 करोड़ का कलेक्शन इंडिया में किया था। आप बोलोगे बहुत महंगी पिक्चर थी, मतलब यहाँ वहाँ से पैसे बहुत काफ़ी आ गए थे उसके। इट वॉज वेरी उसको जो ओवरसीज राइट सब बहुत पैसे मिले थे, तो ऑलमोस्ट उसका रिकवरी हो ही गया था। तो लेट्स सी आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में क्या होता है। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल बॉबी द मैड टेल्स बॉय, सेइंग गुड बाय, गॉड ब्लेस यू गाइस।